गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ अभी खेत पे, और खेत पे चल रहा है योगेश के यहाँ काम। तो योगेश के धान वान बिट रहे हैं। मैं आया हूँ अभी खेत पे और योगेश काट रहा है अपने धान। और आज जो गिरे गिरे हैं अपने भैंसों के लिए चारे के लिए काट रहा है धान। और आज कोई ग्राहक नहीं आया योगेश के धान काटने, कोई भी बाहर का नहीं आया। और ये आज तो ये जो कल जितने कट गए थे, कल उसके इतने धान कट गए थे वही कटे हुए हैं। और आज कोई धान वान नहीं कटेंगे योगेश के, तो आज कोई लेबर नहीं आई योगेश के धान काटने। और योगेश आज अकेले ही लगा पड़ा है। सिर से स्टॉल बांध के पूरी किस पूरा किसान ही लग रहा है। क्या बात है योगेश, पर पैंट तो ऊपर चढ़ा ले अपनी। कल योगेश के इतने ही धान पिट पाए थे, ये इतने झड़ गए थे धान। और वो ही धान है, और इनको धूप भी लग गई, सूख भी गए। और योगेश बस इतने भी अभी झाड़ेगा, इस ये जागे जाली पड़ी उससे लग गया योगेश धान झाड़ने में। और योगेश की लंबाई तो योगेश को झुकना काफ़ी पड़ता है, पूरा झुक जाता है। और जबकि उसके धान को जो वो है पौधा है वो छोटा छोटा है, मतलब ऊपर से भी काटा है इसने। अब कर रहा है उसकी सफाई भैंसों के लिए, अकेले लगा पड़ा है। दम लगा के हाई सा छः सात बार में योगेश पूरे धान को झाड़ देता है पूरी तरीके से, और फिर उधर जाके साफ भी करता है। क्या बात है भाई, मेहनत मेहनत करो मेहनत। चार पांच, अबे पांच बार मारता है, और पांच बार में पूरा धान वान जो भी है सब साफ कर देता है पौधे को पूरी तरीके से। योगे से इतनी ताकत से मारता है, क्या बात है भाई। गाइस अभी हो गई है शाम, और अभी भी हम खेत पे हैं, और योगेश अपने धान खेते कर रहा है। क्योंकि रात को ओस पड़ती है, तो ओस काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसकी वजह से उसकी वजह से नमी आ जाएगी इनमें। और इसने दोपहर में इनको फैला रखा था, तो इसलिए धूप लग गई थी इनको, तो ये इसलिए खेते कर रहा है। और एक इनके ऊपर से इनको ढक देगा, क्योंकि ओस में ये नमी ना पकड़ें। और योगेश अभी भी लगा पड़ा है। सूर्यदेव भी अपने निर्धारित समय से अस्त हो गए हैं, और अब भी आधे इरादा हो रहा है, और हम अभी भी खेत में हैं। अब हम जाएंगे घर। गाइस मैं आ गया हूँ घर, और वीडियो करता हूँ एंड। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।